अच्छा, वाटर फ्यूचर में मस्त सपोज ये हम प्लेन में जाते हैं। वाटर फ्यूचर में सबसे पहले हमारा जो पास जो ऑप्शन है वो है पॉन्ड का। किस जगह हमें ऐसे ऐसा पानी का एक बॉडी या एक पानी का एक फीचर चाहिए जहाँ वाटर हो, उसका जो एनवायरनमेंट है वो हम वाटर बॉडी बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए पानी से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उसमें तालाब जैसा चीज़ है, पॉन्ड, इसमें दरिया दरिया जैसा माहौल, जो चैनल, जो वाटर कोर्स वो भी है, ये वाला हमारा ऑप्शन जो है वाटर स्ट्रीम वाला। इसी तरह जो फुहारे हैं ऊपर से पानी जाता है या दीवार के साथ पानी बहता है, या फुहारा जो इरिगेशन के लिए हम मुख्तलिफ पानी वाले फुहारे इस्तेमाल करते हैं, ये सब वाटर फीचर के मुख्तलिफ कंपोनेंट हैं। तो सपोज हमें ये पहला वाला ऑप्शन है, ये पॉन्ड बनाने का है, तो इसको क्लिक करते हैं। और अच्छा, अगर हमें कोई स्पेसिफिक पॉन्ड चाहिए तो हम अपने उस हिसाब से, मसलन इधर से 20 फीट इस तरफ है, और इसको फिर लेफ्ट क्लिक करके सीधा करते हैं, और ये कुछ 50 फीट इस तरफ है, फिर इधर और इधर ये है। तो ये इसी तरह का हम एक पॉइंट बनाते हैं। तो ये भी ठीक है, अगर हमें कोई खास शेप में चाहिए तो हम शेप के जो लोड शेप का ऑप्शन है, इधर इधर से स्ट्रेक करके मसलन राउंड में हम बनाते हैं, ये हेक्सागन में बनाते हैं, ये मुख्तलिफ किस्म के ये ऑप्शन है, शेप्स हैं। सपोज हम सर्कल राउंड शेप में बनाते हैं, इसको डबल क्लिक करते हैं, तो ये जो हमारा पॉन्ड है, तो तालाब है, ये अभी बन गया इस शेप में। अच्छा, अभी इसमें भी वही मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शंस है, इधर से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसमें जो ऑप्शन डिप्थ वाला है, पानी कितना होना चाहिए और उसका उसमें पानी कितना होना चाहिए, इसके जो लेवल है डिप्थ वो कितना होना चाहिए, गहराई कितनी होनी चाहिए, तो हम इधर से कंट्रोल कर सकते हैं और इधर से पर्सपेक्टिव में जाके देखते हैं। मैं एरो से जाता हूँ, जो आप आगे पीछे जाता हूँ ना, एरो को राइट लेफ्ट आगे वाला, और इधर से जो जो प्लस माइनस का निशान है कीबोर्ड के ऊपर, ये इधर से प्लस पे क्लिक करता हूँ तो नीचे जाता है, माइनस पे क्लिक करता हूँ तो ऊपर आता है, तो ये। और फिर अपने जो माउस है, माउस का राइट ऑप्शन होल्ड करके उसको मैं आगे पीछे करता हूँ। अच्छा, इधर से ये इसके जो डेप्थ वाला है ना, ये हम इधर से चेक कर सकते हैं कि डेप्थ कम है या ज़्यादा है, और जो वाटर लेवल है इसमें कितना पानी है वो इधर से हम चेक कर सकते हैं। वाटर इफेक्ट्स है ना, वो इधर से मतलब किस्म के पानी है, स्पा वाला पानी है तो इस तरह होगा, दूसरे किस्म के पानी है तो हर एक पानी का अपना, क्यों अभी तो ये इस तरह ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन जब हम इसका मुई बनाते हैं तो उधर फिर हर एक का अपना अपना इफेक्ट होता है। इसके जो एजिंग है, एज की जो स्टाइल है वो क्या होना चाहिए, ये हम इधर से चेंज कर सकते हैं। फिर अगर हम इसके साथ कोई स्ट्रीम ऐड करना चाहें, तो ऐड स्ट्रीम या नहीं चाहते हैं, अगर मछली चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, तो ये ऑप्शन इधर से क्लिक चेक अनचेक कर सकते हैं। जो जो इसकी जो राउंड में जो रॉक्स हैं बॉर्डर पे, ये हम इधर से एड रॉक्स या नहीं चाहते, अगर चाहते हैं तो फिर रॉक्स के अपने अपने ऑप्शन है, इस रॉक्स रॉक्स के साइज कितने हैं, एंगल कितने, एंगल पे शाइनेस वगैरह है, हाई है, लो है, ये हम इधर से चेक कर सकते हैं। रॉक का साइज छोटा बड़ा ये हम कर सकते हैं इधर से, और ये अगर हमें रॉक नहीं चाहिए सपोज, और मैं चाहता हूँ कि हमें
बस वैसे एक कर्व स्टोन सा चीज में इसके सराउंडिंग में लगाना चाहता हूँ, तो मैं प्लेन में वापस जाके इधर से जो रोड पे हमारे साथ एक ऑप्शन था कर्व स्टोन ये वाला, ये कर्व स्टोन में क्लिक करके इधर से शेप रोड शेप और सर्कल सेलेक्ट करता हूँ, तो ये सर्कल फिर ये सब बनाऊंगा कि इसके साथ फिट हो जाए। तो ये जो मैंने सर्कल बनाया ये अभी क्या है, ये एजिंग है, वो उसने जो अपने करंट जो ऑप्शन था उसके साथ फोन के साथ वो पत्थरों वाला था, मुझे पत्थरों वाला नहीं चाहिए, मुझे दूसरा चाहिए, तो मैंने ये सेलेक्ट किया। अभी इसमें पर्सपेक्टिव में देखते हैं इसके साथ क्या क्या ऑप्शन है, इसकी वेट तो है ना कम करना, ज्यादा करना, हाइट कम ज्यादा करना, इधर से हम चेक कर सकते हैं स्लैब लेंथ वगैरह, इसके कार्बन स्टोन इसमें जो इस्तेमाल हुए उसका क्या स्टैंड होना चाहिए, ये सब ऑप्शन जिससे पहले थे ना, इसके साइड्स हम चेंज कर सकते हैं, तो ये भी एक ऑप्शन है। बेस के मटेरियल हम इधर से चेंज कर सकते हैं, सब सपोज मुझे येलो कलर चाहिए। अच्छा इसके अलावा मुझे ये ब्रिक्स चाहिए, तो इसमें ये ऑप्शन भी है, या ब्लॉक्स चाहिए मतलब इस तरह के ब्लॉक चाहिए, तो ये जो दीवार है ये ब्लॉक्स की बन जाती है। सपोज मुझे ये वाली चाहिए, ये अलग डिजाइन है, इसकी हाइट विड्थ, तो ये सब चीजें हम इधर से मतलब अपने वाले भी बना सकते हैं। तो ये हुआ फोन वाटर फीचर में, तालाब कैसे बनाते हैं, बड़े छोटे अपने अपने साइज के बना सकते हैं, और अगर हमें स्क्रीन चाहिए कोई वाटर कोर्स चाहिए पानी जहाँ एक जगह से आता हो दूसरी जगह में, तो हम सपोज ये पॉन्ड है और इसको मिलाते हैं किसी वाटर स्ट्रीम से, तो इधर से ये लिफ्ट क्लिक करते हैं इधर तक आते हैं, माउस का लिफ्ट क्लिक करते हैं, तो ये हमारा बन गया स्ट्रीम, इसको पर्सपेक्टिव में देखते हैं, तो ये इसमें भी वही ऑप्शंस को क्लिक करेंगे तो इधर ये ऑप्शन आज आते हैं इसके क्या चेंज करने का, डेप्थ चेंज करने का, इसका जो बॉर्डर है ना ये हम इधर से ऐड रिमूव कर सकते हैं, उसकी जगह दूसरे बॉर्डर ऐड कर सकते हैं, इसमें पानी के डायरेक्शन किस साइड में हो ये कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो ये स्ट्रीम हो गया। फिर अगला जो ऑप्शन है वो है वाटरफॉल, तो ये हम सपोज इधर से इसको क्लिक करते हैं, इधर हमारे पास फिर मुख्तलिफ ऑप्शन है, इसको क्लिक करते हैं, तो इधर वाटरफॉल ये जो सामने स्क्रीन पे है कुछ ये फेवरेट में हमारे पास अभी नहीं है, तो ये इनमें हम क्या चीज़ सेलेक्ट करते हैं, कौन सा स्टाइल हमें चाहिए। सपोज हमें ये वाला वाटरफॉल चाहिए तो ये उधर आ जाएगा, ये वाला वाटरफॉल चाहिए इसको डबल क्लिक करते हैं तो ये वाला इधर आ गया, इसको इधर से पकड़ के इधर से भी छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसको हम ये भी कर सकते हैं कि दो तीन चार इधर रखें, ये राइट क्लिक करके कॉपी इसको राइट क्लिक करके पेस्ट और फिर इसको मूव करके माउस के लेफ्ट से किधर भी इसको रख सकते हैं, इस तरह नया भी ला सकते हैं, इसको चेंज भी कर सकते हैं, जब इसको क्लिक करते हैं तो इसके मतलब ऑप्शन है, इसमें वो ऑप्शन आ जाते हैं सामने, रोटेट करना, इसको एलिवेशन पे रखना, ऊपर रखना, नीचे रखना, अगर ये जगह कोई स्ट्रक्चर अगर है तो उसको हम ऊपर भी उठा सकते हैं, तो ये हुआ
वाटर फाउंटेन के फाउंटेन में हमारे पास और भी जो स्टाइल है, मसलन ये वाला है, ये वाला जो फाउंटेन है ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं, मसलन किसी राउंड अबाउट में, किसी सामने एंट्रेंस पे, इसके भी हम मटेरियल कलर चेंज कर सकते हैं। मसलन हमें ये व्हाइट वाला चाहिए तो ये है। फिर इसमें अगर जाते हैं चेंज एडिट मटेरियल में, तो इसको क्लिक करते हैं तो इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन हमारे पास है, इनसे कर सकते हैं। फिर जाके इस कंक्रीट्स, इनसे डिकिंग के, इनके कलर्स भी ले सकते हैं। इसमें हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन है, वो कलर हम उधर से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये अगर रेड चाहिए तो इसको है। फिर अच्छा, तो ये वो कलर चेंज हो गया, अभी ये कलर आ गया। तो मुख्तलिफ कलर हम इधर इसी ऑप्शन से चेंज कर सकते हैं, एलिवेशन चेंज कर सकते हैं। तो ये हुआ फाउंटन, और इसके बाद है जो ज़रूरी चीज़ें, जंप इंजन की ज़रूरत नहीं है, स्प्रिंकलर लाइन की ज़रूरत नहीं है हमें। जो दूसरा ज़रूरी चीज़ है वो स्प्रिंकलर है। स्प्रिंकलर हेड मतलब जो पानी फेंकता है, इसको हम क्लिक करते हैं, इधर मसलन रखते हैं, तो ये सेंटर पे जो इधर जाता हूँ एरो से, ये वाला जो है ना सिंबल, ये फुहारा है, और ये जो कलर हाईलाइटेड जगह, ये इसका थ्रो है, मतलब इतने एरिया पे पानी फेंकेगा। जब हम मूवी बनाएंगे या जो वॉक थ्रू में जाएंगे तो उधर ये फिर क्लियर नजर आएगा कि ये पानी फेंकेगा, वो मतलब उसका अपना एक इफेक्ट और लुक होगा। अच्छा, तो ये हुए वाटर फीचर के मुख्तलिफ ऑप्शंस, मेरे ख्याल में आज के लिए काफ़ी है। तो रोड के साथ वाटर फीचर, और इससे पहले बिल्डिंग के ये ऑप्शन अभी हो गए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में स्विमिंग पूल और जो टेरेन है, जो छोटे छोटे टॉपिक्स, इंशाल्लाह वो ख़त्म करके फिर अगले जो क्लास में यूटिलिटीज़, मॉडल और प्लान डिटेल पे इंशाल्लाह काम करेंगे।